हे दोस्तों, मैं हूं रिंपल और आप देख रहे हैं पालोटेक मैकेनिकल मोबाइल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे पैशन प्लस गाड़ी का फुल इंजन फिटिंग कैसे होता है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले बेयरिंग बेस को पहले से लुब्रिकेट करके रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्रैंक ताकि आसानी से घुस सके। अभी गियर पिनियन को इसमें अच्छी तरह से बात कर लेंगे। दोस्तों, इसके बाद क्रैंक को थोड़ा लुब्रिकेट करके क्रैंक को आराम से बिठा देंगे जहाँ पे पहले हम लुब्रिकेट किए थे, वहां पे क्रैंक बिठा देंगे। दोस्तों, जब क्रैंक लगाते हैं उसकी बेयरिंग में हमेशा लुब्रिकेट कीजिए, क्योंकि ये भी अंदर जब हम पहली बार स्टार्ट मारते तो अंदर तेल नहीं पहुंचता है, तो ऑयल नहीं पहुंचता है, तो इसलिए पहले लुब्रिकेट करके फिर क्रैंक को बिठा देते। तो दोस्तों देखिये, ये वाला हमारा क्रैंक भी बिठ गया और इसके बाद हम इसका किक शाफ्ट जो है वो लगाएंगे। अभी किक शाफ्ट भी लग गया। अब इसके बाद न्यूट्रल का जो पत्तिया है ये हम हमेशा चेंज करेंगे दोस्तों, क्योंकि न्यूट्रल का पत्ता बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है कि जब हम इंजन फिट करते हैं कई बार हम ये सब छोड़ देते हैं, लेकिन बाद में जब किक मारने के बाद और जब गाड़ी गियर डालते हैं तब स्टार्ट करने के बाद सॉरी गियर डालते हैं उसके बाद ये पत्ता कट जाता है और उसके बाद न्यूट्रल में दिक्कत होती है, फिर ये छोटी सी पत्ता के लिए इंजन को खोलना पड़ता है, तो इसको भी हम लगा लेते हैं। तो दोस्तों ये हो गया। इसके बाद हम इसका जो गैस्केट है गैस्केट पैकिंग वगैरह लगाएंगे। लगाने के बाद दूसरी से जो चैम्बर लगाएंगे, तो ये चल रहा है हमारा पैकिंग। दोस्तों, गैस्केट हमेशा ओरिजिनल यूज कीजिए, जेनुइन का यूज कीजिए। मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि जब भी आप काम करें तो जेनुइन पार्ट्स ही काम करें, क्योंकि दिक्कत होती है डुप्लीकेट में आजकल बहुत। तो देखिये, ये अभी ये चैम्बर फिट हो रहा है। तो चैम्बर फिट होने के बाद दोस्तों हमारा इंजन का जो मेन पार्ट है इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रहा हमारा चैम्बर फिट होने के बाद। अभी इस क्लॉच सेक्शन में हम आ गए। क्लॉच सेक्शन में दोस्तों हम पहले किक स्प्रिंग का इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि किक स्प्रिंग अगर इंस्टॉल नहीं करते हैं तो इसमें हम जब क्लच लगाएंगे तो उसका जो काउंटर शॉक पिनियन इसमें थोड़ी कटकट कटकट आवाज आएगी, क्योंकि किक रैचेट का आवाज आएगी वहां पे। तो दोस्तों पहले किक स्प्रिंग लगाने के बाद इसका ऊपर का जो आइडियल लॉक है वो लगा लेंगे। देखिए ये वाला जो लॉक है अभी ये लगा लिए हम। तो चलो ये वाला हो गया। इसके बाद जीपीड पिनियन, जिसको गियर प्राइम ड्राइव भी बोलते हैं, जीपीड पिनियन लगाएंगे। हार्ड हो रहा है दोस्तों बहुत, मतलब थोड़ी प्रॉब्लम है शायद इसमें, इसको थोड़ा ठुकना पड़ेगा, बहुत जाम हो रहा है। ठीक है, देखते हैं दोस्तों, थोड़ा ठुकाते हैं, देखते हैं। चलो ये अच्छी तरह से अंदर घुस गया, बस हो गया। अभी इसके बाद ऑयल पंप का जाली लगाएंगे। दोस्तों देखिए ये वाला जाली लगा। इसके बाद गियर केम शाफ्ट में जो पिन रहता है 4, 2, 6 पिन, वो छोटा वाला छोटे और बड़ा वाला 4 उसको लगाएंगे। अभी देखिए ये वाला सब बड़ा वाला और ये छोटा वाला लग गया। देखिए अभी हाँ ये वाला लग गया। इसके बाद दोस्तों गियर शाफ्ट लगाएंगे। गियर शाफ्ट के बाद उसके ऊपर का जो प्लेट वगैरह है, जितने सारे नट वगैरह प्लेट और गियर स्टॉपर वो भी सब लगा लेंगे। और ये हमने तो बूस्ट डाल दिया। देखिए ये वाला प्लेट, कि उसका ये प्लेट इसीलिए दिया हुआ है ताकि ये शाफ्ट जो शाफ्ट बाहर ना निकल जाए। और ये वाला ऊपर का जो शिफ्टर लग गया, गियर शिफ्टर। फिर इसके बाद उसका जो स्टॉपर होता है वो लगाएंगे। पर लगाने के बाद क्लच हाउसिंग को लगाएंगे। ये देखिए क्लच हाउसिंग। अभी क्लच हाउसिंग के बाद उसका जो स्पेशल वॉशर रहता है अंदर, वो पतला वाला वॉशर, उसको लगाएंगे। फिर उसके बाद उसका कटर लॉक रहता है वो वाला भी लगाएंगे। देखिए ये वाला जो दोनों कटर लॉक है अभी ये लगा लिया। उसके बाद एक वॉशर सी रहता है जो लॉक को प्रोटेक्ट कर, जाकि बाहर निकलने ना दे, वो वाला लॉक भी लगे। इसके बाद क्लच सेक्शन, जिसका क्लच सेंटर हाफ सेंटर पे सप्लेट के एक फिट करके हम पूरे असेंबली इसमें बिठा देंगे। और चलिए ये भी बिठ गया। चलो ये भी हो गया। अभी इसके बाद यहाँ पे स्पेशल वॉशर, इसका नॉट देखिए, हम पहले से ये नॉट लगा दिए हमने। और ये वाला, उसके बाद स्प्रिंग आता है टेंशन स्प्रिंग, जो क्लच करने में काम करता है ये स्प्रिंग, तो ये टेंशन स्प्रिंग। उसके बाद उसका टेंसी प्लेट और इसका 10 का बोल्ट रहता है 4, तो वो वाला लगाएंगे। बस ये वाला चल रहा है, देखिए 10 का बोल्ट। अभी ये कसने के बाद उसके ऊपर एक
फैंसी प्लेट बेयरिंग रहता है उसको भी लगा देंगे। देखिए दोस्तों ये फैंसी प्लेट बेयरिंग, ये देखिए ये लग गया फैंसी प्लेट बेयरिंग। इसके बाद रोटर लगाएंगे, सॉरी पहले लगा लेते ऑयल, ऑयल के ऑयल कैप लगा लेंगे, ऑयल के जहाँ पे ये ऑयल रहता है दोस्तों इसमें इंजन ऑयल, क्योंकि ताकि जब क्लच प्लेट सूखा ना पड़ जाए इसीलिए अंदर कुछ ऑयल रहता है इंजन ऑयल, ताकि वो जब गाड़ी स्टार्ट बंद रहता है ना तब नीचे हो जाता है ऑयल सब, और उसमें थोड़ा रहता है जब किक मारने से उसके अंदर ऑयल साथ ही साथ काम करता है। अभी देखिए रोटर भी लग गया, उसके बाद उसका वॉशर और नट वगैरह ला के इसको टाइट कर लेंगे, बस ये वाला पहले टाइट कर लिए, फिर इसके बाद ये वाला रोटर प्लेट और इसका पैकिंग। ऐसे पकड़। चलो ये वाला भी टाइट कर दिया हमने। अभी इसके बाद देखिए दोस्तों ये कितनी आसानी से मतलब हमने कर दिए, ये सब आप भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए और कुछ नहीं बस। अभी इसके बाद इसका जो कवर है क्लच सेक्शन का कवर, ये वाला कवर हम लगाएंगे। कवर लगाने के बाद इस तरफ पूरा हो जाएगा, जैसे हमारा मिडिल पोजीशन हमारा हो गया वैसे ही हमारा अभी ये वाला पोजीशन भी हो जाएगा क्लच सेक्शन। देखिए ये वाला रहा चैम्बर, क्लच चैम्बर लगाने के बाद ये वाला हमने कर दिए फिटिंग। अभी इसके बाद दूसरी तरफ जाएंगे, ये लगाने के बाद दोस्तों दूसरी तरफ जाएंगे जहाँ पे मैग्नेट सेक्शन रहता है और टाइमिंग चेन का सेक्शन होता है, वहां पे लगाएंगे। और जो बोर पिस्टन का काम है दोस्तों ये हमने लास्ट में करेंगे, क्योंकि ये अगर दोनों साइड आराम से कंप्लीट हो जाए तो लास्ट में काम करने में बहुत अच्छा होता है। देखिए दोस्तों ये पूरा फिट हो गया, इसके बाद हम चैम्बर का बोल्ट जितने भी सारे बोल्ट है लगा लेंगे इसका। देखिए ये वाला सब बड़ा बड़ा बोल्ट होती है इसमें, देखिए अभी उस तरफ हो गया। अभी इस तरफ हम मैग्नेट साइड चले आए, इसका पहले टाइमिंग चेन इसका लगा दे, वो जो अंदर वाला बड़ा सा पिनियन होता है टाइमिंग चेन का वो पहले से हम लगा लिए थे जब इंजन फिट किए थे तब। उसके बाद ये सब उसका छोटा रोलर बड़ा रोलर लगाने के बाद अभी ये स्टार्टर कॉइल भी फिटिंग कर देंगे, उसका स्टार्टर कॉइल ऑयल से लगा के, और यहाँ पे छोटा छोटा ओरिंग भी रहता है दोस्तों, देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये भी लगा लिया हमने। अभी इसके बाद स्टार्टर प्लेट, दोस्तों ये स्टार्टर प्लेट लगाने के बाद थोड़ा सावधानी बरतिए, क्योंकि ये प्लेट के जो ऑयल सील है ना ये बीच बीच में उसका अंदर का जो स्प्रिंग है निकल जाता है, फिर बाद में जब कस्टमर गाड़ी लेके जाता है ना ऑयल निकलना शुरू हो जाता है। तो देखिए ये स्टार्टर प्लेट का हम नॉट अभी टाइट मार रहे हैं जिसमें स्टार का बोल्ट लगा हुआ है। ये स्टार्टर प्लेट के बाद दोस्तों यहाँ पे मैग्नेट लगाएंगे, मैग्नेट के बाद हम बोर पिस्टन में आ जाएंगे। चलो ये वाला अच्छी तरह से टाइट कर दे, उसके बाद गियर शाफ्ट ऑयल सील, ये वाला ऑयल सील भी लग गया दोस्तों, दोस्तों ऑयल सील भी जब लगाते ना थोड़ा घुमा घुमा के लगाइए ताकि अंदर का स्प्रिंग ना निकले, अगर स्प्रिंग निकल गया दोस्तों ये फिर से ऑयल लीक करेगा और फिर दोबारा आपको ये लगा के देना पड़ेगा। ये अभी मैग्नेट का बारी आ गया है, सामने का जो पत्ता था वो थोड़ा ज्यादा ऊपर निकल आया तो हमने इसे इसलिए उसको दबा दिया। देखिए अभी ये मैग्नेट लग रहा है दोस्तों, मैग्नेट लगने के बाद दोस्तों मैग्नेट को टाइट करेंगे और सीधा बोर पिस्टन में जाएंगे। देखिए अभी बोर पिस्टन हो, मैग्नेट का काम हो गया, अभी बोर पिस्टन का काम। देखिए बोर पिस्टन में क्या क्या देते हैं, बोर एक नया बोर पिस्टन में देते हैं, पिन देता है, उसका पैकिंग किट देता है, उसमें थोड़ा सा लॉक देता है, पिस्टन बोर और जो रिंग होता है वो वाला देते हैं दोस्तों। इसको बोर पिस्टन भी बोलते हैं, कई लोग इसका जो ओरिजिनल जो लैंग्वेज है उसको सिलेंडर पिस्टन किट भी बोलते हैं कहीं के लोग, तो ज्यादातर गैरेज लैंग्वेज में बोर पिस्टन ही बोला जाता है। तो देखिए पिस्टन का रिंग हमने सेटिंग करके रखे थे तो उसको डायरेक्ट में घुसा दिया ऐसे,
और उसके बाद बोर भी कैसे घुसाएंगे वो हम आपको दिखाएंगे। देखिए ये पिस्टन लग गया अभी, अब ये वो पिस्टन का जो गजन पिन का लॉक होता है ये दोस्तों ये लगाना पड़ता है। दोस्तों अगर ये लॉक अगर मैंने नहीं लगाया ना, इसमें अगर पिन निकल आया तो बोर को पूरा खराब कर सकता है। एक बार हो गया था दोस्तों, हमसे भी गलती हो गया था, हमने भी ऐसी गलती किए थे। देखिए अभी पिस्टन के बाद उसके वहाँ पे थोड़ा लुब्रिकेंट करेंगे ताकि पिस्टन जब बोर घुसाए तो आराम से घुस सके। देखिए ऑयल लगाने से मतलब बहुत अच्छी तरह से जाता है बोर। देखिए बोर घुस गया। दोस्तों अभी टाइमिंग चेन का को अंदर से घुसा के इसको अंदर की तरफ पुश कर लेंगे ताकि ये बोर आसानी से फिट हो जाए। चलो ये भी बोर हाँ हो गया, अभी ये हो गया। अभी इसके बाद साइड में जो उसका नट वगैरह होती है 10 नंबर का वो भी लगा लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे 10 नंबर स्टार बोल्ट होते हैं, मतलब अंदर में स्टार होता है फिर बाहर से 10 नंबर होती है। अभी इसके बाद हेड का बारी आ गया, अभी हेड लगाएंगे, उसके पैकिंग वगैरह लगा के हेड लगाएंगे। अंदर का जो टाइमिंग चेन का बड़ा पिनियन है वो लगा लेते हैं पहले, सॉरी पिनियन नहीं बड़ा रोलर होती है, सॉरी माफ कीजिएगा। चलो ये वाला टाइट हो गया। इसके बाद गैस्केट को तो हमेशा लगाना पड़ेगा दोस्तों, कभी ये मत भूलो कि गैस्केट छोड़ दो तो अच्छा, क्योंकि ऑयल लीक करेगा और गाड़ी स्टार्टिंग में भी दिक्कत आ जाएगा। चलो गैस्केट के बाद अभी ये रहा पिन, मतलब उसका स्पोकेट बड़ा वाला स्पोकेट, इसके बाद हेड। चलो ये हेड, चलिए ये वाला ये हेड भी इंस्टॉल हो गया। दोस्तों देखिए हमने पहले से ही आपको समझाया कैसे किस तरह बोर पिस्टन का काम होती है, किस तरह इंजन का काम होती है, ये पहले शुरू से ही वीडियो हमने आपको दिखाया। इसका जो खोलने का वीडियो है हमने बना नहीं पाए क्योंकि थोड़ी एक कैमरा को अकेले पकड़ के ये सब शूट करना पड़ता है और मेरे पास ज़्यादा टीम भी नहीं है, तो छोटी सी चैनल है मेरा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर कुछ नॉलेज मिल रहा है तो आपको। तो दोस्तों देखिए अभी ये हेड फिटिंग होने के बाद दोस्तों इसका जो ऊपर का बोल्ट है सॉरी नट है इसको सारे लगा लेंगे हेड का। अभी ये करने के बाद दोस्तों हो जाता है हमारा हेड कंप्लीट।